नेपालपुर में औचक निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह पहुंचे। गौतमपुरा क्षेत्र में जाकर अन्न भंडार एवं गेहूं उपार्जन केंद्रों पर जाकर वहां की स्थिति देखी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने अधिकारियों से परिवहन की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। लॉकडाउन के बाद क्षेत्र में कलेक्टर मनीष सिंह का यह दूसरा दौरा है। उन्होंने नगर में आकर नल जल योजना पर सीएमओ से बात की और जल्द ही इस कार्य को अंजाम पर पहुंचाने की बात भी कही। क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर वे संतुष्ट दिखे। पत्रकारों के पूछने पर इंदौर में कांग्रेसी नेताओं के सामने हाथ जोड़े खड़े एसटीएम की खबर पर भी कलेक्टर ने अपनी बात कही। वो मेनली देखने आए थे, उसमें बड़ा मेहनत करके सभी सोसाइटी में सब अधिकारियों ने और सभी डिपार्टमेंट बहुत सारे इन्वॉल्व सब ने किया है। ट्रांसपोर्टेशन का इशू है मेन, कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, परिवहन हो जाए, ताकि किसानों का भुगतान हो सके वेयरहाउसिंग में। और अभी चूँकि पानी भी आने वाला है, इसलिए उसका परिवहन हो जाए तेज़ी से, और उसके लिए एडिशनल कोई रिसोर्सेज जो हमने अधिग्रहण वगैरह किए हैं वाहनों को, उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। उसी के लिए जनरल सुपरविजन था। वैसे यहाँ एसडीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अरे जरूरत नहीं थी आने की यहाँ पर। सर अनुमानित नुकसान कितना होगा यहाँ? तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान। सर इंदौर में हुए धरने प्रदर्शन को लेकर आपने एसडीएम को नोटिस दिया, किस प्रकार का? देखिए, जो बिना अनुमति धरना जो दिया गया था, उसमें अगर बात करने गए थे तो एक मजिस्ट्रेट की मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है और एक प्रशासनिक अनुशासन भी होता है। वो कि आप वहाँ जा रहे हो तो आप प्रशासनिक एक सिस्टम के पार्ट के रूप में जा रहे हो। वहाँ जाके व्यक्ति विशेष व्यक्ति अपनी नहीं रहता है या खुद की कोई वो अस्तित्व नहीं रहता है, प्रशासनिक एक प्रतिनिधि बतौर जाते हो। और वो बात करनी थी तो खड़े होकर बात करते हैं। जिस तरह का आया तो उसको ख़राब भी लग रहा है। देखिए, मुझे खुद ही बहुत ख़राब लगा कि इस तरह से प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और सम्माननीय जनप्रतिनिधि हैं, पूरा सम्मान है जो बैठे थे बिना अनुमति के धरने पर सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सम्मान है जो बैठे थे वहाँ पर, जो हमारे अधिकारी जा रहे हैं उनको भी पूरी मर्यादा में रहकर और अन्य लोगों को उनका भी सम्मान करना चाहिए पूरा। तो उसको देखते हुए जिस तरह से वो बैठे अधिकारी दोनों, तो वो ख़राब लगा, इसलिए मैंने शोकॉज नोटिस जारी किया। सर यहाँ अधिकारी कोरोना को लेकर बहुत समन्वय से ही इससे जीत पाएंगे। ये ऐसी चीज़ है कोरोना की, इसमें सभी लोग संयुक्त रूप से लगेंगे, बिल्कुल पूरा समाज लगेगा, सब व्यक्ति लगेंगे, नागरिक लगेंगे, सब डिपार्टमेंट्स लगेंगे, सभी जनप्रतिनिधि लगेंगे, तभी इसका। और इंदौर में जो थोड़ा बहुत ही कमी आई है, अभी हम ही नहीं बोल सकते हैं कि कोरोना से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तलवारें घर पर चल रहे हैं। अब चूँकि शहर खुले हैं तो उससे जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों की, मास्क पहने, बिना मास्क पहने कोई बात ना करें। सर नई दिशा निर्देश आए थे, यहाँ पर वाटर सप्लाई का काम चल रहा है आपके जयपालपुर में, उसमें काफ़ी लाइन्स उडल गई हैं पर उसका रेस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ है। तो MPUDC जो भोपाल में, उनके ANC साहब हैं आचार्य और SC हैं विजय गुप्ता, जिन दोनों से बात की है मैंने, एंड्रॉयड कंपनी है महाराष्ट्र की, तो उसको लोग बोल रहे हैं कि दो दिन में हम लेबर मोबिलाइज करके काम रेस्टोरेशन में शुरू करा देंगे। सर नया रिपेयरिंग बंद चालू करने का आपको जो देखा, ये सब SDM साहब हमारे सक्षम में सब देख रहे हैं। रिपेयरिंग नहीं की सर, ठेकेदार ने सील बोल दिया है, उसके लिए बता दिया है। जो दुकानें खुलने बंद होने का है, ये पूरा हमारे SDM सक्षम में आके और वो पूरी तरह से वो देख रहे हैं, जो वो बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, पूरा डिपेंड डेलीगेट कर रखे हैं पावर। देपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट।